और ये स्काई पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन गया है वो कौन सा है शायद वो अगर नहीं होते यहाँ पर तो इसने ये सूचना लोगों को नहीं करती का बात काम मर चुकी है अभी सिर्फ क्लास में चलता हमारे कॉलेज की एक प्रतिभावान विद्यार्थी जिसने रामदल की भूमिका निभाई है मधुरानी और इस मंच पर झूठे सच्चे आंसू बहाने वाले चुभिंदु भी हृदय राखो मैं फंस गए हैं इनको खुद शर्मी मिल चुकी है अभी भी रोगी है शायद पजामा बदल लिए अपना और पनवाड़ी पान बेचने वाले देवी लाल पान वाला नागरिक सारा मैसेज लोगों को नवाब साहब को पहुंचाने वाले नागरिक सुना ली राजेश अजमेरी जी मैच कर रहे थे कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम कोई
बड़ा महत्वपूर्ण विषय है उसको देख रही थी। रिफवान खान बेटा श्री अतुल खान जी का था, लाइट कंट्रोल में साहिल जी थे, प्रॉपर्टीज थी हर एक ऑलर की और प्रदर्शन डिजाइन था विशाल प्रधान जी। अब मैं शादाब खान जी से अनुरोध करता हूं कि मैं सारी कार्यक्रम के बीच की कड़ी और जिनकी सरपरस्ती में कार्यक्रम हुआ प्रिंसिपल जनरल रॉबर्ट सिंह डिग्री कॉलेज रियासी प्रोफेसर मीना पंडित अपने हाथों से एक मोमेंटो दे सम्मानित करेंगे। अभी मैं अनुरोध करता हूं मैडम प्रिंसिपल से कि वो इस उपलक्ष्य पर चंद अल्फाज हमारी नजर करें और लोगों को भी पता चले कि वो उनसे क्या है हमारे लिए सोचा मैडम प्रिंसिपल। My student artists, ऐसे मौके पे मुझे लगता है बोलना इंसान के बस की बात नहीं है। लोग हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम बोलते ही जाते हैं पर कहीं पे आके शायद बोलती बंद हो जाती है और वो ऐसी जगह है जब इमोशंस ऐसी भी पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन इमोशंस का वर्णन करना जुबान से लहजू से उनका उनको तोड़ना और उनका वर्णन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इन स्टूडेंट्स को जो आज से कोई 15 दिन पहले मेरे पास ये एक प्रपोजल लेके आए तो मैं उन इन स्टूडेंट्स को तब भी जानती हूँ और आज जब मैंने आज उनको मंच पे देखा तो मैं देख रही हूँ कि कैसे मैंने इनको हमेशा कहा है कि आपके अंदर एक पोटेंशियल है। You have got an inner potential. You have got the capability. You can be good artist. You can be anything that you want. But इस हद तक ये कामयाब होंगे, इस हद तक इनकी success होगी, ये मैंने शायद नहीं सोचा था। मैंने जब इनको इस टाइम आज मंच में देखा तो मुझे लगा ये मंचे पे आर्टिस्ट है, पता नहीं कितनी देर से ये यही काम करते आ रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन लोगों ने मेरे बच्चों को मेरे कॉलेज में आके इतना ये निखार और इनकी जो अंदर की पोटेंशियल है, इनकी जो अंदर की उनका जो अपना जो ये है इनका अपना टैलेंट है उसको बाहर निकाला और इनने एक आर्टिस्ट पार्टी पैदा किया। आर्टिस्ट सिर्फ यहाँ तक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आगे जाके ये अपने काम को अपने कला को अपनी जो जो इनके बीच में अभी पैदा हुई है अपना वो लगन जो पैदा हुई है उस लगन को आगे लेते जाएंगे आगे चलाते जाएंगे। और इस सबके लिए मैं पूरी टीम का शादाब खान साहब का अजरक खान साहब का मुझे अजनबी साहब और जो जो बॉम्बे से आए हुए लोग इनके साथ और दो साथी भी थे जो मैंने देखा बॉम्बे से आए तो काम कर रहे थे हमारे कॉलेज में दो दो तीन तीन घंटा लगातार उनको काम दे रहे थे। तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ इन्होंने हमें मौका दिया इनके साथ काम करने का और हमें यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बच्चों का इतना बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। सबके लिए मैं आपको थैंक्स दे रही हूँ और बच्चों को एक मिसाल
आउट ऑफ बॉक्स आउट ऑफ मतलब जो नॉर्मल रूटीन में हम प्रोफेशन देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे रहते हैं उसमें बाहर उससे बाहर निकल के हमें देखना है अपने लिए कुछ अचीव करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सिर्फ शादाब साहब के लिए कुछ लफ्ज आज सुबह उन्होंने मुझे थोड़ा सा इमोशनल किया तो उसके लिए मैं कुछ उस उन लफ्जों से कंक्लूड करूँगी। एक बार शायद मैंने पहले भी अपनी ऑडियंस से शेयर किया है तो उन्हीं लफ्जों को रिपीट करते हुए आज फिर से दोहराती हूँ। आज बहुत वीक थी, आज बहुत वीक थी, कुछ जाने कुछ जाने कुछ अनजाने चेहरे कुछ कह रहे थे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने भी लाख जतन किया, मैंने भी लाख कोशिश की कि मुझ तक भी कुछ पहुंच सके, मैंने भी लाख कोशिश की कि मुझ तक भी कुछ पहुंच सके, मैं भी कुछ समझ सकूं। पर एक आवाज का पर्दा था, पर एक आवाज का पर्दा था। तो मालूम है ना कि जब आप बहुत शोर में भीड़ में होते हैं तो आवाज पूछती है, अगर आपका फोन या कोई आपको बुलाए तो आप सुन नहीं सकते हैं। तो उसमें उस टाइम वो आवाज का पर्दा होता है, तो उस आवाज की बात बोल रही हूँ। एक आवाज का पर्दा था, मैंने भी सोचा कि मैं समझ सकूं, पर एक आवाज का पर्दा था। उनका मां कहते पुकारना मेरी आकारों में बदस्तूर गूंज रहा था, बदस्तूर गूंज रहा था। तत्र
विज्ञान संक्रम का मंचन तो हमने नहीं देखा, लेकिन आज जो हमने देखा उसकी जो प्रस्तुति देखी, मुझे कमतर नहीं बनी हुई। थोड़ा सा शिक्षा देना चाहेंगे कि अपने प्यारे पशुओं का और बच्चों का नाम ले सामने सामना बढ़ते कि महाभारत काल में भी एक अश्वत्थामा नाम का दृश्य था। अश्वत्थामा और जो नरोत्तम जो हुआ के चक्कर में द्रोणाचार्य को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। आज भी राधा को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। मैं साहित्यिक आदमी नहीं हूँ, हम लोग तो आपकी भाषा में बात नहीं कर पाऊंगा। अभी धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं श्री शमनाथ नाथ जी को माइक सौंपता हूँ। ये जो आज अभी आपने हिंदी पे एक नाटक का उर्फ अलग शरद जोशी जी का लिखा हुआ बहुत ही हास्य नाटक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और नाटक का इस नाटक को लिखा है शरद जोशी जी ने। मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्कशॉप डिग्री कॉलेज रियासी में 50 डेज प्रोडक्शन ओरिएंटेड थिएटर वर्कशॉप जो डिग्री कॉलेज रियासी में की गई, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको स्पॉन्सर किया था। और हमारे काफी फैकल्टी जो मुंबई से आए थे, हमारे विशाल कटपाल, हमारे मैं ज्यादा
होते हुए थैंक्स करता हूं सब लोगों का, क्योंकि अगर ऑडियंस नहीं होगी तो हम अपने दिल में बोल रहे। सबसे पहले ऑडियंस के लिए मैं थैंक्स करता हूं। मैं चाहूंगा कि स्टेज के बारे में विशाल भाई फादर जो हमारे मुंबई एक्सपर्ट हमारे साथ आए, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आप सबके सामने। प्लीज विशाल भाई फादर। Thanks, Shahab. I think I was lucky enough to come here. काफी सौभाग्य था मेरा, ताकि मैं जब शराब से मैं बात की तो मुझे लगा अरे भाई रॉ आर्टिस्ट मतलब रॉ आर्टिस्ट नहीं होता है, हर व्यक्ति आर्टिस्ट है, कोई भी आर्ट होती है, और हमारे थिएटर में थोड़ा सा सिंसियरिटी अधिक उसकी आवश्यकता होती है। थोड़ा सा सोच रहा था कि कैसे करेंगे, बीच बीच में बहुत अच्छा लगा रहा है यहाँ ये गलत की है, मोबाइल का 15 दिन में करना है, 2 घंटे जुड़ रहे हैं चल क्या रहे, मतलब बहुत बार मेरे को घर जाके परेशान करता था यार कुछ कोई और मतलब हाँ ठीक है ये आते आते बुलाते थे रास्ते में, बोला ये मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है कल बुला लो, ऐसा हो सकता है कि आवश्यकता पड़ जाए। लेकिन स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत की मेरे ख्याल से पहले दिन से ही जो एक लेसन था टीम वर्क का, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है टीम वर्क। सारा समाज कंपटीशन में लगा, इससे आगे उससे आगे, अब दोस्त भी हैं तो दोस्त भी होता है तो हम कैसे क्या मतलब व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन हम किसी को नहीं छोड़ते, मतलब इंसान उस पर चला गया। तो मुझे लगा कॉम्पिटिशन तो नहीं करना भाई, कॉम्पिटिशन के सामने रहता है कॉपरेशन जो हमारी संस्कृति सिखाती है। मुझे लगा कॉपरेशन होगा तो कुछ भी हो सकता है, 15 दिन में 2 घंटे ऐसा, और आहिस्ता 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 सब ट्यूनिंग बनी, सबकी आपस में काम करने लगे। हमने ज्यादा काम नहीं किया बच्चों के साथ, बहुत कम समय काम किया, बहुत कम समय था 2 घंटे, लेकिन उसके बाद ये लोग जो एक दूसरे को प्रताड़ना दे रहे थे सिखाने के लिए, वो हमें भी देनी पड़ती है कई बार, गुस्सा दिलाना पड़ता है बताने के लिए कि कई बार ऐसा होता है कि